हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम आपको हैंड राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे। ये जो बच्चे को लिखने संबंधी जो भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, जिसमें बच्चा लिखना नहीं चाहता है या उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको उन सब प्रॉब्लम का एक जो बेसिक सोल्यूशन है वो मैं बता रही हूँ, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम, सिर्फ हैंड राइटिंग ही नहीं, जो बच्चे जिद्दी करते हैं या कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते या होमवर्क नहीं करना चाहते, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है? नंबर वन, आपको बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अगर आप करते हैं तो आपको बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए अपने बच्चे के साथ। नंबर टू, आप उसको हर अच्छे काम के लिए एप्रिशिएट कीजिए। एप्रिशिएट, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ समय बिताएं सबसे पहला, और दूसरा आप उसे जो भी वो काम करता है, छोटा काम कोई भी करता है, उसके लिए भी आप उसे अप्रिशिएट कीजिए कि तुमने बेटा बहुत अच्छा काम किया। तीसरा, आपको उसे डांटना नहीं है, डोंट ब्लेम। क्योंकि वो छोटा है और ये उसके सीखने की उम्र है, आप उसे सिखा रहे हैं, तो इसीलिए आप उसे डांटना अवॉइड कीजिए। बहुत उत्पाती है, बहुत गलत काम कर रहा है, तभी आप उसे डांट के समझा सकते हैं, पर अदरवाइज बच्चे को डांटना आप अवॉइड कीजिए। चौथा है क्रिएटिव, बच्चे को क्रिएटिव बनाइए, उसकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कीजिए, बाहर लाइए उसकी क्रिएटिविटी, उसे अलग अलग चीजें दें, वेरिएशन लाए उसके टॉयज में, जिससे वो क्रिएटिव बने। आप उसके सामने कुछ सामान रखें और देखें वो करता क्या है, उससे क्रिएटिव बनाए, जिससे उसका ध्यान फालतू चीजों पर, जैसे कि मोबाइल देखना या टीवी बहुत ज्यादा देखना, कार्टून के पीछे बिल्कुल इस तरीके से पागल हो जाना, जैसे एडिक्शन हो जाना, ये इस तरीके की चीजों से उसका ध्यान हट जाए, तो उसको क्रिएटिव बनाए। और चौथा, जो पांचवा, हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोटिवेशन। आप उसे मोटिवेशन जरूर दें, मीन्स अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है, बहुत बड़ी चीज भी नहीं, आप उसे एक इरेजर दे सकते हैं उसकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज, आप उसे पेंसिल दे सकते हो, आप उसे स्टिकर दे सकते हो, स्माइली दे सकते हो, स्टार दे सकते हो, उसके पसंद की चीज खिला सकते हो, उसे कहीं पसंद की जगह घुमाने लेके जा सकते हो, इस तरीके की मोटिवेशन। अगर आप ये पांच चीजें करेंगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा आपको आपके बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट वन इज क्वालिटी टाइम, सेकेंड वन इज एप्रिशिएट करना, थर्ड इज डोंट ब्लेम योर चाइल्ड, उसे डांटना नहीं है, एंड फोर्थ इज क्रिएटिव, उसको बहुत क्रिएटिव बनाना, और फिफ्थ इज मोटिवेशन। तो ये पांच बातें अगर आप याद रखें, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं होगी, आप जैसा सोचेंगे आप अपने बच्चे को वैसा ही बना पाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। कुछ बच्चे एकदम लाइट लिखते हैं, ये सपोज मैंने ये पेंसिल पकड़ा, पेंसिल से इस तरीके से उसने लिखा ए। कुछ बच्चे डार्क लिखते हैं, ज्यादा ही डार्क लिखते हैं, गड़ा गड़ा के कॉपी फट जाती है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका जो सिंपल सा साधारण सा सोल्यूशन है वो है कि आप उसे, जब वो बहुत डार्क लिखता है तब उसे डांटिए नहीं, मीन्स बोलिए, आप उसे समझाएं कि बेटा आपको डार्क नहीं लिखना है, लाइट लिखनी है, और
मतलब आप देखिए, मैंने आपको डांटिए वर्ड यूज किया, अगर आप जोर से बोलेंगे वो हो जाएगा डांटना, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करके थोड़े आराम से बोलना है, बच्चों को आराम से समझाना है कि बेटा इसको डार्क नहीं लिखना है, इसे लाइट लिखना है। आप एक बार समझाएंगे वो हो सकता है ना समझे, आप दो बार समझाएंगे ना समझे, लेकिन तीसरी बार उसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ ये सारी चीजें करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे डांटते भी नहीं है, बहुत कम डांटते हैं, उसे क्रिएटिव बना रहे हैं और उसे मोटिवेशन भी दे रहे हैं, तो वो समझ जाएगा। अगर वो लाइट लिखता है, इसी तरीके से आप उसे समझाइए, आप उससे बार बार प्रैक्टिस कराइए, आप उसे प्रैक्टिस की बुक ला के दीजिए, नहीं तो आप खुद उसे इस तरीके से छोटे छोटे डॉट बना के दीजिए, वो घर पे लिखेगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ प्रैक्टिस करके ही अपने बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ये पांच चीजें कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं करते हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसीलिए आपको जरूरी है कि आप जैसा अपने बच्चे के साथ चाहते हैं वैसा ही आप बच्चे के साथ करें। देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, 3 से 3.5 साल में बहुत अच्छे से लिखने लग जाते हैं, कुछ 3.5 से 4 साल में अच्छे से लिखते हैं। तो प्रॉब्लम कब आती है, जब वो स्कूल में जाते हैं और अचानक से राइटिंग इंट्रोड्यूस हो जाता है और होमवर्क मिलता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं अरे कितना मुश्किल है 1 पेज का होमवर्क करना, बच्चा तो लिखता ही नहीं, मुझे हाथ पकड़ पकड़ के उसको इस तरीके से ए लिखाना पड़ रहा है, इस तरीके से 1 लिखाना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल आती है। उसके पीछे एक ही रीजन है, जो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं जब वो छोटे रहे होंगे उनको सॉर्टिंग कराना, जो फाइन मोटर स्किल्स होती है ना उनकी, बहुत अच्छे से डेवलप कराए हैं, आइदर टेक्निकल कराए हैं, आइदर तो टाइम निकाल के कराए हैं। फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है कि हमारी जो मसल होती है, हाथ की मसल, वो मजबूत बनती है, क्योंकि हम हाथ से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे सॉर्टिंग करते हैं, पेगिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, इससे भी काफी बच्चे का हाथ स्ट्रांग होता है। जितना हाथ स्ट्रांग होगा उतना बच्चा अच्छे से लिखेगा। तो फाइन मोटर स्किल में क्या आती है, ये देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे को हम सिंपल कलरिंग करने देते हैं, तो सबसे पहले कलरिंग में हम क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्रेयॉन्स। और ये ही आपको कराना चाहिए, चाहे बच्चा 2 साल का हो, 2.5 साल का हो, 3 साल का हो। आप स्केच पेन भी दे सकते हो, पर होगा क्या, आपकी स्केच पेन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, बच्चा इसे खूब लिखेगा, फिर आपको भी लगेगा कि अरे इतने जल्दी एक स्केच पेन का पैकेट खत्म हो गया। आप उसको क्रेयॉन दीजिए और उससे लिखने की आदत डालिए, इस तरीके से बी, इस तरीके से सी। सबसे पहले जब वो छोटा होगा, 2 साल का बच्चा है, तो उसे आइडेंटिफाई करना सिखाइए, लिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप उसे ऐसे ही पकड़ा दीजिए और उसे कुछ भी करने बोलिए, वो चाहे कुछ भी करे आप उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ भी एक पेपर दीजिए। हमेशा मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप पूरी की पूरी कॉपी दे दें, आप उसको इस तरीके से एक पेपर दीजिए और उसे कुछ भी करने के लिए दीजिए। उसे कलर्स बहुत पसंद है और वो हर तरीके से करना चाहेगा। आप उसे चाहे तो स्केच पेन दे सकते हैं, अगर आप दे रहे हैं तो ऐसा कोई मना ही नहीं है, पर आप अपने कंट्रोल में रख के बच्चे को दीजिए और बच्चे को हर चीज बता दें कि बेटा आपको ये 1 पेज मिला, आज इस 1 पेज में इतना करना है। या तो आप उसको डेली क्या कीजिए, जब वो 3 साल का हो जाएगा, ये मैं 2-2.5 साल के लिए नहीं बोल रही हूँ, 2-2.5 साल के बच्चे को तो आपको खुली छूट देनी है, पेपर दे देना है, कलर दे देना, उसे जो करना है करे। जब 3-3.5 साल का बच्चा होता है तो उसे डेली 1 पेपर और इस तरीके का लाइंस, ये स्लैंटिंग लाइन बनाया मैंने, ये स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने, स्टैंडिंग लाइन जिसे बोलते हैं, ये स्लीपिंग लाइन बनाया मैंने, ये मैंने कर्व बनाया, तो एक पेज में आपने ये पूरा कर्व बनाने दे दिया, ना आज ये 1 पेज आप पूरा कंप्लीट करो, फिर हम बाहर जाएंगे या हम कहीं घूमने जाएंगे। मैं ऐसा ही करती थी, जब मेरी बेटी 3 साल की हुई थी तब मैं डेली उससे 1 पेज का काम कराती थी, आइदर स्टैंडिंग लाइन, या तो स्लीपिंग लाइन, या तो स्लैंटिंग लाइन, कोई भी लाइन। और रही बात सॉर्टिंग की, तो वो आप अलग से कराना चाहते हो अलग से भी करा सकते हो, नहीं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जनरली अपनी मदर के साथ रहते हैं, तो किचन में ही आपकी सॉर्टिंग हो जाती है। आप ये सोचो ना, हम जब छोटे थे
तो हमें कहाँ कुछ अलग से सिखाने की जरूरत पड़ती थी। हम तो स्कूल गए और हमने पेंसिल पकड़ा और हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। शुरू में हमारी हैंडराइटिंग हो सकता है थोड़ी खराब थी, पर धीरे 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 करके प्रैक्टिस करते करते हम सीख भी गए। हमने कोई टेक्नोलॉजी से नहीं सीखा कि पेंसिल ग्रिपिंग कैसी होती है या व्हाट इज फाइन मोटर स्किल, व्हाट इज आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हमको कुछ भी नहीं मालूम था। पर आजकल इन चीजों को जानना जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि पेरेंट्स अगर दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता, तो वो अलग से वक्त निकालकर या जानकारी लेकर के बच्चे को ये सारी चीजें कराते हैं। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, सॉर्टिंग में एक तो किचन में तो बच्चे रहते ही हैं, तो आप जो ऐसे ही किचन में करा सकते हैं, वो राजमा चना दे दिया, उसको अलग अलग करने दे दिया तो बच्चे कर लेंगे, और ये सॉर्टिंग में करा दिया। नहीं तो घर में आप ये जैसे इस तरीके की अलग अलग बीड्स हैं, आप थोड़े बड़े साइज की बीड्स रखोगे, हर कलर की बीड्स को हर कलर के बॉक्स में, बॉक्स अलग रख दोगे, बॉक्स में कर रखने के लिए दे दिया। और इस तरीके से जैसे माला पिरोते हैं ना, ये देखिए, ये है मेरे पास पाइप क्लीनर। ये पाइप क्लीनर में आपने उसको ये बीड्स डाल डाल के इस तरीके से पिरोने के लिए दे दिया। बच्चा बहुत एंजॉय करता है और ऐसे कहा कि देखो बेटा ब्रेसलेट बनाओ इससे। ये देखो मैं आपको ब्रेसलेट बना के बताती हूँ इससे कितना अच्छा ब्रेसलेट बनता है। ये देखो बच्चे ने ये पूरा किया, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि बच्चा बड़े ध्यान से, इसे ही कहते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन, हाथ और आंखों का संचालन, ये दोनों काम वो एक साथ कर रहा है। हाथ भी यूज कर रहा है और आंखों से देख देख के, बारीकी से देख देख के यहाँ से ऐसे अंदर घुसा रहा है और ऐसे निकाल रहा है। और इस तरीके से उसने ये बना लिया एक बीट्स का एक बहुत अच्छा सा ब्रेसलेट। ये देखिए मैंने पहन भी लिया। अब आप उसको अप्रिशिएट कर दीजिए कि आपने बहुत अच्छा बनाया, और हो सके तो मोटिवेट कर लीजिए कि आपने ये बनाया तो चलो आपको एक स्टिकर देते हैं, तो उसे और बनाने का मन करेगा। तो इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना सिखाएं, एक तरीका होता है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मीन्स आपको वो तरीका नहीं मालूम है जिससे आपको करना है। इस तरीके की क्लिप्स आती है, क्राफ्ट क्लिप्स कहते हैं इसे। ये कपड़ों के क्लिप्स जैसा ही होता है, पर ये जनरली क्राफ्ट के लिए यूज होता है। आप ये क्लिप दे दो और बच्चे को बोलो कोई भी चीज इस तरीके से क्लिप से इस तरीके से उठाने के लिए, जैसे मैंने इसे रख दिया, इसको इस तरीके से उठाया। इसमें क्या कर रहा है, बच्चे को काफी जोर लगाना पड़ रहा है, ये इस तरीके से जोर लगा रहा है। आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगे, और भी आइडियाज मिल जाएंगे, पर आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ। हम अपने बच्चे को ये दे देते हैं क्लिप, और एक कुछ कोई भी सामान उसके सामने ज्यादा रख देते हैं, वो इससे बहुत सारी क्रिएटिविटी कर लेते हैं। वो इसको इस तरीके से लगा लगा के कोई भी चीज बना लेते हैं, और वो हमको दिखाते हैं और हमें बड़ा पसंद आता है, और हम उसे अप्रिशिएट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे को और ज्यादा करने की इच्छा होती है। और एक मैं आपको गेम दिखाती हूँ, ये गेम तो आपको पता ही है, टाइम पास कहते थे हम अपने बचपन में। तो इसमें बच्चा क्या करता है, ये देखिए, आई और हैंड, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, बच्चे की कंसेंट्रेशन भी इसमें बढ़ रही है। तो ये सब गेम आप बच्चे को जरूर दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपकी जो ये मोबाइल टीवी ये सब की एडिक्शन की प्रॉब्लम ना आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप ऐसा सोचते हैं कि कितना टॉयज दे बच्चे को, पर टॉयज देना भी कहीं कहीं पे जरूरी है। आप मोटिवेशन में या फिर उसके बर्थडे में ये सब में आप उसको यूजफुल टॉयज दे सकते हो। या फिर और एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैजिक स्लेट होती है ये भी बड़ी अच्छी चीज है। इसको लेकर के बच्चे के साथ बैठिए, इस तरीके से उसे दिखाइए। ए, कभी आपने इसमें कुछ ड्राइंग बना दिया, इस तरीके से आपने बना दिया इसमें बटरफ्लाई, देखिए ये बटरफ्लाई बना दिया आपने, तो बच्चा भी आपको देख करके उसे भी मन होगा बनाने का। फिर आपने इसको रब कर दिया,
तो इस तरीके से आप ये मैजिक स्लेट ला सकते हो, बीड्स रख सकते हो, आपको जो चीज कंफर्टेबल लगे वो आप रख सकते हो। हमारे टाइम पे इतनी ज्यादा जरूरत इन सब चीजों की इसीलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारे टाइम पे सिर्फ एक मिट्टी होता था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हाथों को मजबूत बनाने के लिए। हम मिट्टी से खिलौने बनाते थे, आजकल वो मिट्टी अवेलेबल नहीं है। हम रेत में पहाड़ बनाते थे, मंदिर बनाते थे, वो रेत भी कहाँ चली गई पता नहीं है, और हमें वो अब खरीदना पड़ रहा है बच्चों के लिए। तो ये देखिए क्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर नहीं पता होगा, आप बच्चे को, जो छोटा बच्चा, आप उसके साथ बैठ करके खिलौना बनाइए, या फिर आप उसको होममेड क्ले दे सकती हैं, सिंपल घर पे बना के। इसकी भी बहुत सारी रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, या फिर आप खरीद करके, जब बच्चा 4 साल का हो जाएगा, आप उसको मार्केट में लेकर के, मार्केट से लेकर के इस तरीके की क्ले दे सकते हो। सैंड भी इस तरीके की रेडीमेड आती है, अगर वो नहीं आती, सिंपल नमक में आप तेल मिला दो और बच्चे के साथ बैठ जाओ और किसी भी चीज में मोल्ड करने के लिए दे दो, तो उससे भी बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है। ये देखिए पेक्स, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या है, बच्चा बहुत ध्यान से करता है। ये देखो, ये इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। इसमें लगा लगा के बच्चे ने कुछ भी बनाना होता है वो इस तरीके से इसको इस लगा लगा के बनाता है। इससे उसकी कंसेंट्रेशन भी बढ़ रही है और ये जो हाथों का मसल भी उसका बहुत अच्छा स्ट्रांग बन रहा है। तो इस तरीके की पेग्स दीजिए। और भी अलग अलग तरीके हैं पेग्स के, मैं और एक पेग्स बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक पेग्स है जिसमें अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल अल्फाबेट्स। ये एक बहुत अच्छी चीज है। देखिए इसमें इस तरीके का बना हुआ रहता है इस पेग में, तो इसमें हम इस तरीके से घुसा घुसा के, ये देखो, ये मैंने एम लिखा, मुझे कुछ लिखना है। इससे तो आप 4 साल के बच्चों को इजीली पढ़ा भी सकते हो, वर्ड फॉर्मेशन सिखा सकते हो। एम ए और ये पी, स्मॉल पी, एम ए पी मैप। इस तरीके की अगर पेग्स आपको मिल जाए तो आप ये जरूर रखो और ये बच्चे को जरूर दो। ये भी बच्चे की फाइन मोटर स्किल इंप्रूव करने के लिए बहुत मदद करेगा। और एक चीज जो मैं टेक्निकली बता रही हूँ, और एक चीज, इस तरीके की जिग्सॉ पजल्स, ये देखिए जिग्सॉ पजल्स जो आती हैं, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, और या तो चाहे तो आप ये घर पे भी बना के भी यूज कर सकते हो। इससे भी बच्चे की कंसेंट्रेशन और फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो ये भी आप एक बार, ये जिग्सॉ पजल भी आप बच्चे को जरूर कराओ। जब से वो 2.5 साल का हो जाता है तब से आप उसे ये चीज अलाउ करो। और अगर इन सब से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो मार्केट में ग्रीपर अवेलेबल है, जो कि इस तरीके से पेंसिल में यहाँ पे फंसाया जाता है। उससे क्या होता है कि बच्चे का उंगली इस तरीके से ही रहता है और बच्चा उससे भी इस तरीके से लिखना चालू कर देता है, तो उसमें भी बहुत अच्छी बच्चे की ग्रीपिंग बनती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम हैंडराइटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर ये 5 चीजें आप हर प्रॉब्लम के सलूशन के हिसाब से जरूर रखिए। बच्चे को क्वालिटी टाइम दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, डांटिए नहीं, क्रिएटिव बनाए और मोटिवेशन दीजिए। आप अगर किसी चीज को जोर से बोलते हैं तो वो डांटने जैसा लगता है, आप उसे जब समझाएंगे तो आप उसको आराम आराम से, धीरे धीरे से समझाएंगे। और उसको डेली का, 3 साल का बच्चा है तो डेली का 1 पेज स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके की स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये सारी लाइंस आप करने दीजिए। आपको इजीली 3.5 साल का होते होते आपके बच्चे को सब कुछ आ जाएगा और वो उसकी हैबिट में आ जाएगी डेली का काम करना। उसको मोटिवेट कीजिए, डेली का जो भी काम कर रहा है उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होप आपको ये आइडियाज पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर टुडे, एंड टिल देन बाय।